गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में कक्षा चार का पहला पार्ट हमने व्याकरण समाप्त कर चुका था और हमने पहला पार्ट भारत के बच्चे शुरू किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट का नाम लिखा है हम भारत के बच्चे। तो हमने पिछली क्लास में यह कविता शुरू कर चुका था, मैंने आपको कुछ शब्द अर्थ के बारे में बताया था इसी कविता से। आज जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने कुछ प्रश्न और उनके उत्तर भी लिखे हैं जो कि मौखिक है यानी ओरल है, मैं इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए मेरे साथ एक बार इस कविता को फिर से दोहरा लीजिए। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे, आए सौ तूफान सामने रोक न हमको पाएंगे, हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं, दिल के हैं मजबूत बड़े हम, तन के लगते दुबले हैं, जो हमसे टक्कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे, हमें न समझो छोटे हम हैं, काम बड़े करने वाले। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, हम भारत के बच्चे हैं, मतलब हम सभी कहाँ के बच्चे हैं, हिंदुस्तान के, भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे, बस केवल आगे ही बढ़ते जाएंगे, आए सौ तूफान सामने रोक ना हमको पाएंगे, मतलब आए सौ तूफान, तूफानों को यहाँ पर मुसीबतों को कहा गया है, जो हमारे जीवन में मुसीबत आता है उनको कहा गया है। तो मुसीबत आने पर भी हमें किसी भी तरह का मुसीबत हमें कभी नहीं रोक पाएगा, हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं, हमें नन्हे मुन्ने मतलब छोटे छोटे बच्चे केवल मत समझो, हम साहस के पुतले हैं, हम बहुत साहसी हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ है, करेजियस है, दिल के हैं मजबूत बड़े हम, तन के लगते दुबले हैं, दिल के हम बहुत मजबूत हैं, तन के दुबले हैं मतलब हमें देखने में तो बहुत छोटे पतले लगते हैं लेकिन हम दिल के बहुत साहसी हैं, जो हमसे टक्कर लेगा, जो भी हमसे टकराएगा, जो भी हमसे लड़ेगा हम उसको सबक सिखाएंगे, उसको हम सबक सिखाएंगे, हमें न समझो छोटे हम हैं, काम बड़े करने वाले, हमें केवल छोटा सा मत समझो, हम बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। तो इसी कविता की और कुछ पंक्तियां बाकी है जो कि मैं आपको आगे आने वाले कक्षा क्लासों में कराऊंगा। तो इसी पंक्तियों में हमने कुछ शब्द अर्थ के बारे में भी जाना था, जैसे कि साहस का मतलब होता है हिम्मत, उसी प्रकार तन शरीर टक्कर लेगा, मुकाबला करेगा बाधाओं कठिनाइयों, तनिक जरा थोड़ा, न्योछावर मतलब बलिदान, पूर्ण मतलब पूरी और अभिलाषा मतलब इच्छा। तो ये हमने शब्द अर्थ भी किए थे और हमने कुछ पंक्तियां भी पिछली कक्षा में भी जाना था। तो आज जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं मैंने कुछ मौखिक प्रश्न दिए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं भारत के बच्चों को कौन नहीं रोक पाएगा, तो भारत के बच्चों को कौन नहीं रोक पाएगा, कौन नहीं रोक सकेगा, तो भारत के बच्चों को सौ तूफान आने पर भी रोक नहीं पाएगा। तो कविता में जैसे मैंने पंक्तियों में पढ़ाया था आए सौ तूफान सामने रोक ना हमको पाएंगे, तो कौन नहीं रोक पाएगा सौ तूफान आने पर, तो सौ तूफान किसे कहा गया है, मुसीबत कहा गया है। पंक्तियों में क्या लिखा गया है, आए सौ तूफान सामने रोक ना हमको पाएंगे, तो वही है उत्तर, भारत के बच्चों को कौन नहीं रोक पाएगा, भारत के बच्चों को सौ तूफान आने पर भी रोक नहीं पाएगा। अब दूसरे प्रश्न में देखिए, शरीर से दुबले होने पर भी बच्चों में किसकी कमी नहीं होती, शरीर से दुबले होने पर भी बच्चों में किसकी कमी नहीं होती और है, तो शरीर से पतले कमजोर दिखने में पतले छोटे से, लेकिन हम बच्चों में, भारत के बच्चों में किसकी कमी नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया था साहस की कमी नहीं होती, तो वही मैंने उत्तर में भी लिखा है। जैसे कि प्रश्न में आपके लिए दोबारा पढ़ देता हूं, शरीर से दुबले होने पर भी बच्चों में किसकी कमी नहीं है, शरीर के दुबले होने पर भी बच्चों में साहस की कमी नहीं है, किसकी कमी नहीं है, बच्चों में साहस की कमी नहीं है। चलिए हम और एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा, भारत के बच्चों को कौन नहीं रोक पाएगा, भारत के बच्चों को सौ तूफान
तूफान आने पर भी रोक नहीं पाएगा। शरीर से दुबले होने पर भी बच्चों में किसकी कमी नहीं है? शरीर के दुबले होने पर भी बच्चों में साहस की कमी नहीं है। तो यहां पर क्या होगा? कमी नहीं है, यहां पर होगा कमी नहीं है। शरीर से दुबले होने पर भी बच्चों में किसकी कमी नहीं है? शरीर के दुबले होने पर भी बच्चों में साहस की कमी नहीं है। तो जैसा कि हमने पिछले कक्षा में मैंने आपको पंक्तियां करवाई थी, इसी तरह मैंने आज आपको कुछ पंक्तियों का मतलब क्या होता है, उन्हें अच्छे से उच्चारण किस तरह लिखा जाता है, साथ ही साथ मौखिक प्रश्नोत्तर भी करवाए। तो आज की कक्षा में यहीं पे अंत करना चाहता हूं। दूसरे कक्षा में हम मौखिक के कुछ और प्रश्नोत्तर करेंगे, साथ ही साथ हम कुछ और पंक्तियां जो इस कविता की बाकी है उसे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि मैंने जिस तरह उच्चारण किया है आप भी घर में इस कविता को अच्छे से उच्चारण करके दोहराएं। तब तक के लिए धन्यवाद।